क्वेश्चन इज द पैरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज के टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड इफ द रेशियो ऑफ द अदर साइड टू हाइपोटेन्यूज इज फोर टू फाइव देन वट इज द वैल्यू ऑफ के ठीक है क्वेश्चन में क्या कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ठीक है जो इसका पेरीमीटर है इट इज के टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड ठीक है अब अब शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है इसमें देखो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया एच ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो आपको परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक शॉर्टेस्ट साइड आपको लेनी पड़ेगी ठीक है ओके तो आप इस तरीके से ले लीजिए दैट लेट

अदर साइड का मतलब है वो शॉर्टेस्ट साइड नहीं है अदर साइड इज दिस नाउ पी इफ द रेशियो ऑफ द अदर साइड टू द हाइपोटेन्यूज इसका मतलब पी इज टू एच आपको कितना दिया है फोर इज टू फाइव देन व्हाट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के आपसे पूछ रहा है ठीक है तो यहां से यहां से अब बेस तो आपने x ले लिया ठीक है तो यहां से p कितना जाएगा अब आप कॉमन मल्टीपल एक्स मत लीजिएगा कुछ और ले लीजिएगा ठीक है डोंट टेक के डोंट टेक एक्स ठीक है क्योंकि ऑलरेडी के आपको के टाइम्स द शॉर्टर के ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है ठीक है और जो क्वेश्चन में दिया है के टाइम्स और एक्स हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी ले लिया है तो कुछ और ले लो तो जब आप कॉमन मल्टीपल लोगे तो पी सपोज फोर ए हो जाएगा और एच हो जाएगा आपका सपोज फाइव ए इस तरीके से ठीक है अच्छा ये सारी वैल्यूज़ देखिए आपने कैसे आई ओके okay. अब आपको क्या दिया है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के अब आपको के की वैल्यू निकालनी है अब हम कैसे निकालेंगे ठीक है पेरीमीटर विल बी नथिंग बट ओके दिस पेरीमीटर इज नथिंग बट के इनटू एक्स ना ओके okay. सो so, अगर आप पेरीमीटर लेंगे तो पेरीमीटर विल बी नथिंग बट पी प्लस बी प्लस एच सभी का सम कितना हो जाएगा

ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ओके और इसमें ये आपको फोर ए दिया है ये आपको फाइव ए दिया है और दिस वी हैव टेकन एक्स ठीक है ओके तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दिस विल बी फाइव ए का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से आ, दिस विल बी ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा दिस विल बी नाइन ए स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री एक्स विल बी थ्री ओके तो एक्स भी अब इन टर्म्स ऑफ ए आपके पास आ चुकी है सो एक्स विल बी नथिंग बट थ्री okay तो अब यहाँ से आप के की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो क्योंकि पेरीमीटर इज नथिंग बट के टाइम्स सो पेरेमीटर इज इक्वल टू आपको ऐसे दिया है पेरीमीटर इज इक्वल टू के टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड दैट इज नथिंग बट थ्री ओके सो पेरेमीटर विल बी फोर ए प्लस फाइव ओके फोर ए प्लस फाइव ए प्लस थ्री ए इक्वल टू के इन टू एंड फोर नाइन नाइन ट्वेल्व ए ट्वेल्व ए विल बी इज इक्वल टू के इंटू थ्री एके और यहां से आपका बहुत इजिली के आ जाएगा ठीक है सो के विल बी इज इक्वल टू ट्वेल्व ए अपॉन थ्री ए ए से ए कैंसिल के कितना आ गया फोर तो के की वैल्यू फोर है ओके फोर इज द राइट आंसर